से हो आप सभी, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो लोग सुबह के टाइम में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, जो शाम में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग, और जो रात में देख रहे हैं उनके लिए गुड नाइट। है गुड नाइट नहीं, ब्लॉग जो है यहीं से शूट होगा और यहीं से जो स्टार्ट होगा। अभी अपन है चेन्नई सेंट्रल और यहाँ से जो है जाने वाला है अपन KSR यानी कि बेंगलुरु सिटी। बस आप जो है शताब्दी एक्सप्रेस का जर्नी का मज़ा लीजिएगा। गाड़ी नंबर है 12007। हमारी ट्रेन जो है देखते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म पे है, चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर, देखते हैं क्या चीज़ यहाँ जो है चेक हो रहा है। और गेट नंबर 6 से अपन जो है एंट्री कर रहा है और 4:53 जो है टाइमिंग हो रहा है सुबह का। हमारी ट्रेन जो है शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से 6 बजे खुलेगा आप। और हम लोग जो है आज 4 घंटे 45 मिनट में 358 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। और चेन्नई सेंट्रल बहुत बड़ा ही स्टेशन है। हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, चलते हैं अपने सीट पे। और एकदम हावड़ा स्टेशन के एकदम जैसा हावड़ा स्टेशन है वैसा ही अभी स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल। और जस्ट हम लोग अभी आए और हमारी ट्रेन जो है शताब्दी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगाई जा रही है। देखते हैं खाना में क्या क्या मिलता है। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस जर्नी वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करेंगे बिना किसी स्किप के। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी को शुरू करते हैं। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब और अपनी सीट जो है C7 में 52, 53, 54 1 जो है एक सीट मिरर की ओर दिया गया है। हम लोग 3 भाई हैं और देख लीजिए शताब्दी एक्सप्रेस। बट हम रात में जो है इसका स्पीड जो है चेक किए तो लगभग जो है दिखा रहा था 110 किलोमीटर ही तक जाएगा। चलिए अपना सीट जो है आप सभी को दिखा दूं। और साफ सफाई की बात की जाए अभी तो फर्स्ट क्लास दिख रहा है। चलिए चलते अंदर और भैया खड़े हैं अपनी सीट 54 जो है विंडो है, 53 ये साइड वाला है और अपनी सीट 52। अभी जो है ट्रेन खाली है, बस मैसूर जो है ट्रेन जाने वाली है। हम लोग KSR उतरेंगे और बीच में जो है एक ही स्टॉपेज है, चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, बोतल होल्डर दिया गया है और यहाँ पे बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। फिर इसको उठा के फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। आइए इस ट्रेन का जो है बाथरूम देखते हैं, इंडियन स्टाइल और काफ़ी जो है मस्त लग रहा है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का बात ही कुछ अलग है, दिखा देखते हैं। कुछ हुआ नहीं है, साफ सफाई में एकदम ठीक है, सब कुछ बेहतर है। पानी तो होना ही है क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस है भाई। और मिरर भी काफी साफ है, चलते हैं लोकोमोटिव के पास। सभी को जो है धूप लगता है तो रोलिंग ब्लाइंड जो है दिया गया है, उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। और खास बात कितना सा लग रहा है 12007C9 योर ब्रांड ईयर, इतना मतलब हाई फाई जो है दिख रहा है। और इस ट्रेन में जो है देख सकते हैं प्रथम वातानुकूलित कुर्सी यान K1। चलिए चलते हैं और देखते हैं K1 को, जो कि हवाई जहाज वाली जो है सुविधा इसमें दी गई है। हर एक सीट पे आप सभी को जो है पेपर और LCD मिलेगा जो कि एरोप्लेन में भी होता है। और काफ़ी मस्त दिख रहा है, हमारे कोच से बस एक ही आदमी बैठा हुआ अभी, बट धीरे धीरे सब फुल होते जाएगा। अब चलिए चलते हैं E1। इसके जस्ट बगल में ही E1 है और E1 का फर्श सब मस्त है। एग्जिट एग्जीक्यूटिव चेयर कार है ये, हर एक सीट पे पेपर रख दिया गया है।
मस्त है, बेस्ट है। E1 और K1 देखने के बाद हमारी खोज जो है छोटा पड़ जा रहा है। हम उतना बड़ा इंसान नहीं है कि जो है K1 और E1 में सफ़र करेंगे, बट धीरे धीरे जैसा होगा देखा जाएगा। चलिए चलते हैं और लोकोमोटिव आप सभी को दिखाकर अपने सीट पर बैठते हैं। और वेब 7 है कृष्णा राजापुरम का, देख सकते हैं कृष्णा राजापुरम का वेब 7 भारतीय रेलवे, गर्व की बात। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बस जो है 30 मिनट के बाद जो है हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर कर। और इस ट्रेन का जो है मिरर साफ हो रहा है, मिरर अगर साफ ना रहे तो जर्नी का कुछ मज़ा ही नहीं। ऑन टाइम 6 बजे हमारी ट्रेन जो है यहाँ से डिपार्चर कर गई है। बाय बाय चेन्नई सेंट्रल। कैसा फील हो रहा है सताब? तो ये है पार्ले का मेरी, और जो है इसके बाद जो है आपको आप सभी को मिलेगा नोवा का दूध और IRCTC का जो है शुगर, और इसके बाद जो है आप सभी को मिलेगा चाय पत्ती जो इसमें मिलाकर पी सकते हैं, और जो है यह है थाली डिब्बा। अपन मिक्स कर लिया है और बिस्कुट खा रहा है, पानी अगर डालेंगे उसके बाद मिलाएंगे। सुनो भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं भैया, अभी चाय बना रहे हैं, शुगर अभी डाल रहे हैं, बट हम अपना काम पूरा कर लिए हैं, नेक काम में देरी नहीं।
के पी टी यानी कि कटपाड़ी। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो 5 है। यहाँ से 8 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 8 ट्रेन टर्मिनेट होती है। 364 ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ पर रोज़ाना आकर होल्ड करती है। और ट्रेन हमारी 5 मिनट डिले है। इसका डिवीज़न जो है चेन्नई में पड़ता है। और एवरेज स्पीड की बात की जाए तो 84 और मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो 110 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब इसके बाद जो है ट्रेन खुलेगी तो हमको ब्रेकफास्ट मिलेगा। और बात की जाए इस ट्रेन की तो ट्रेन का स्पीड ज़्यादा नहीं है, बट हमारी ट्रेन जो है 5 मिनट की डिले के साथ जो है चल रही है। और हमारा सिग्नल हो चुका है, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। देखते हैं डिपार्चर, 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन जो है कटपाड़ी से खुल चुका है। ये जंक्शन है, और लेडीज़ जो है लोको पायलट देखिए जी। थैंक यू 49। तो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, नॉनवेज ऑमलेट। छोटा सा जूस और अंदर ये ब्रेड है। अपना ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर लिया हूँ। बटर लगाए हैं, केचप, अंडा और नीचे जो है गाजर उजर दिया गया है। सुनो भाई बताइए रेटिंग अपना, मस्त है? ट्रिपल एटर। कैसा लगा भाई? ले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद।
फाइनली अपन आ चुका है बेंगलुरु सिटी। और इस ट्रेन के बारे में मैं बता दूँ, 5 मिनट बिफोर पहुँचाई है, स्पीड तो 110 ही था। खाना से लेकर सब कुछ, साफ सफाई, स्टाफ सब अच्छे हैं। और ये मैसूर शताब्दी का यह ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।